हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एट सेवन के। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की टॉप 10 कंपनीज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन कंपनीज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इनके फाउंडर कौन थे। और दोस्तों बात करेंगे इनके डिविजन्स की, कंस्ट्रक्शन के अलावा भी क्या क्या इनके डिविजन्स हैं, क्या क्या ये लोग वर्क करते हैं। और दोस्तों बात करेंगे इनके मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, क्या क्या इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये सारा नॉलेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये नॉलेज पूरा गेन करने के लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे नंबर वन पे जो कंपनी है वो लार्सन एंड टूब्रो है, या LNT हम सब जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1938 में बॉम्बे में हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट दो डेनिश इंजीनियर ने किया था जिनका नाम था हेनिंग हॉल्क लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो। तो हेनिंग हॉल्क लार्सन के बारे में आपको हम बताते हैं, इनका जन्म डेनमार्क में हुआ था 1907 में, और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था। और ये मुंबई आए थे 1937 में, और इनको अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। तो इन्होंने रिस्क लिया और जो हमारे सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो है इनके साथ एक कंपनी ओपन की है। सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो का जन्म 1906 में डेनमार्क में हुआ था, और इन्होंने भी सेम कॉलेज से पढ़ाई की थी। इनकी जो इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और इन दोनों ने मिलकर 1938 में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को स्टार्ट किया। और दोस्तों इनके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं आपको, इनका जो पहला ऑफिस था उसमें इतनी कम जगह रहती थी कि उसमें खाली एक ही आदमी एक समय बैठ सकता था, इतना छोटी जगह पर इन्होंने स्टार्ट किया था। बट आप देख सकते हैं इनका हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने अपना जो कंपनी है कितने ऊपर लेवल तक पहुंचाई है। अगर इनकी डेथ की बात करें तो हेनिंग हॉल लार्सन 96 की एज में 2003 में मुंबई में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो ने 76 की एज में 1982 में इन्होंने डेनमार्क में अपनी अंतिम सांस ली थी। और दोस्तों CEO एंड MD की बात करें तो इसमें SN सुब्रमण्यम ये LNT संभाल रहे हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो 84,027 2014 का ये आंकड़ा है, तो ये 84,027 एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं। डिविजन्स की अगर हम बात करें तो उसमें रियल इस्टेट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनुफैक्चरिंग, ये सब काम ये लोग इनके डिविजन्स हैं। दोस्तों अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें LNT के, तो लोटस टेम्पल जो न्यू दिल्ली में है उसमें भी LNT ने काम किया हुआ है। हालांकि इसमें जो आर्किटेक्ट थे वो फरीबोर्ड साहिबा UK फर्म बेस्ड कंपनी से थे, और इसके जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फर्म थी उसका नाम था फ्लिंट एंड नील। और दोस्तों अगर और स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो ATC टावर मुंबई, जो एयरपोर्ट पे ATC टावर बना हुआ है उसमें भी LNT ने काम किया हुआ है। और जो एमरल्ड आइजल बिल्डिंग्स हैं उसमें भी LNT ने कॉन्स्ट्रक्ट कराया गया है। ICICI बैंक बिल्डिंग जो है उसमें भी LNT ने काम किया है। और जो यहाँ तक कि वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई का है उसमें भी LNT ने काम कंस्ट्रक्शन किया है। और दोस्तों इसमें जो करंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो लखनऊ मेट्रो में इस समय LNT का काम चल रहा है करंट में। उन्होंने LNT ने इस समय मेट्रो के प्रोजेक्ट को लिया हुआ है, लखनऊ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन इस समय हो रहा है। दोस्तों जो हमारी सेकंड कंपनी है वो है DLF दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 में दिल्ली में हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो थे चौधरी राघवेंद्र सिंह जी, इनको चौधरी साहब भी कहा जाता था, और ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके फादर एक ग्रेट पैट्रियट थे, उनका नाम था चौधरी लालचंद। और इन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में लॉ क्वालिफाई कर लिया था। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से कम्प्लीट की थी, और इन्होंने 1935 में पंजाब सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। 1940 में इन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की थी, और उसमें इंडियन ऑफिसर को रिक्रूट करने का भी काम किया था इन्होंने, और वॉर फील्ड में भी ये गए थे, और जो इंडियन आर्मी का ऑफिसर से उनको इंस्पायर किया था। और दोस्तों पार्टीशन के बाद की अगर हम बात करें तो इन्होंने पार्टीशन के बाद एक चैलेंज लिया था कि हम होम्स क्रिएट करेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बनाएंगे। तो इन्होंने 21 कॉलोनीज डेवलप की थी साउथ दिल्ली में, तो यहां से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया था। और दोस्तों इसमें जो चेयरमैन हैं DLF के खुशपाल सिंह जी हैं, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 11,495 एम्प्लॉयज़ इस समय हैं। प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो ये अपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, मॉल्स बनाते हैं।
होटल्स, गोल्फ कोर्स, काफ़ी कुछ इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है। डिवीजन्स की बात करें तो रियल इस्टेट है और कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शिवाजी पार्क जो दिल्ली में है वो इनकी फर्स्ट डेवलपमेंट थी, और उसके बाद जो राजौरी गार्डन मार्केट है दिल्ली में उसको भी इन्होंने बनाया था। और जो हमारा प्रोजेक्ट है हौज खास दिल्ली में कॉलोनी से, उसको भी जो डेवलपमेंट है वो DLF ने ही किया था। और जो हमारा DLF मॉल है नोएडा में, जो एशिया का इंडिया का लार्जेस्ट मॉल मॉल है, उसको भी DLF ने ही बनाया था। दोस्तों थर्ड कंपनी आती है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग एंड डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। इस्टेब्लिश की गई थी 1984 में, मुंबई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो फाउंडर थे वो थे JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म हुआ था 1904 में, पेरिस में इनका जन्म हुआ था। ये फ्रेंच इंडियन थे और ये पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये जब इंडिया आए, इनको जो फर्स्ट एयर पायलट का जो लाइसेंस दिया गया था वो इन्हीं को मिला था। और इन्होंने आगे जाके एक टाइटल इनको कहा जाता था, फादर ऑफ सिविल एविएशन भी इनको कहा जाता था। और जो जो फर्स्ट एयरलाइंस है टाटा एयरलाइंस, उसके फाउंडर भी यही थे। जो टाटा एयरलाइंस से बाद में जाके एयर इंडिया इसको कहा गया था। एयर इंडिया इस समय अपनी नेशनल एयरलाइंस है, इंडिया की जो नेशनल एयरलाइंस है वो एयर इंडिया ही है। और दोस्तों इसके CEO और MD की बात करें तो ब्रॉटिन बनर्जी इस समय टाटा के हैं, जो टाटा प्रोजेक्ट्स से। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इसके डिवीजन्स की अगर बात करें तो उसको रियल इस्टेट का इसका मेन जो वर्क है वो होता है। दोस्तों इसकी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा शेयरवुड है बेंगलुरु में, वो टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही बनाया है। और जो हमारा ग्रीन एकर्स है कोचीन में, ये भी टाटा एकर्स ने ही बनाया हुआ है। और जो हमारा ये है पेरेग्राइन मुंबई में, ये भी टाटा एकर्स ने बनाया है। और हमारा जो है विला पैराडाइज गोवा में, इसको भी टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही बनाया है। और जो ब्लू हिल्स है पुणे में, इसको भी टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही डेवलप किया है। फ्रेंड जो हमारी फोर्थ कंपनी है वो है JP ग्रुप। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1979 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जयप्रकाश गौड़ जी। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1930 में। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की इरीगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर। उसके बाद कुछ साल बाद इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस स्टार्ट किया। JP ग्रुप की फाउंडेशन उन्होंने रखी और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। और इसके बाद 2010 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। और 2010 में फोर्ब्स मैगजीन ने इनको 48th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में भी रखा था, बताया हुआ था। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें JP ग्रुप की, तो ये नोएडा UP में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 80,000। और डिविजन्स की बात करें इसमें रियल इस्टेट, इंजीनियरिंग, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, IT, पावर, एक्सप्रेसवेज, ये सारे इसके डिविजन्स हैं। और दोस्तों अगर हम इसके मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सरदार सरोवर डैम है नावागम में जो है गुजरात में, वो जो हमारा जो वर्ल्ड का ये सेकंड हाईएस्ट डैम है, इसकी जो हाइट 163 मीटर है, इसकी स्पिलवे कैपेसिटी जो है 84,949 क्यूबिक फीट पर सेकंड है। ये JP ग्रुप ने ही बनाया हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जो टेहरी डैम है उत्तराखंड में, ये लार्जेस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन एशिया है, तो इसको भी JP ग्रुप में ही बनाया हुआ था। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में है वो भी JP ग्रुप ने ही बनाया है। और जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है इसको भी JP ग्रुप ने ही कंस्ट्रक्शन किया और है। जो हमारी पांचवी कंपनी वो है GMR ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव। इस्टेब्लिश की गई थी 1978 में। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव, इन्हीं के नाम पर ये कंपनी है। इन्होंने इनका जन्म 1950 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। और डिविजन्स की बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न पे ही वर्क करती है। और दोस्तों अगर इसके प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो इसमें आपको इसमें GMR का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, ये GMR ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। इसके लिए इनको गोल्डन पिकॉक का अवार्ड भी मिला हुआ है।
और दोस्तों कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, यानी कि IGI एयरपोर्ट, इसके एक्सपेंशन में भी GMR ग्रुप का ही हाथ है। इसके एक्सपेंशन में GMR ग्रुप ने वर्क किया हुआ है। और फ्रेंड्स बात करें हम सिक्स कंपनी की, तो वो है गमॉन इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन बताएं तो इट इज़ द लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1922 में। इसके जो फाउंडर थे वो थे जॉन सी गमॉन, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड वर्क करती है कंपनी। डिविजन्स इसके हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, इन दोनों डिविजन पे ये वर्क कर रही है। और दोस्तों के मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो महात्मा गांधी सेतु पटना बिहार गमॉन इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। और फाउंडेशन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, उसका फाउंडेशन भी गमॉन इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था। और रेलवे टनल बनाई गई थी, जो कोंकण रेलवे की टनल रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वो गमॉन इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। और जो सेवंथ नंबर पे कंपनी आ जाती है वो है HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1926 में, और जिसके फाउंडर थे वो थे सेठ वालचंद हीराचंद। इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इन्होंने वालचंद ग्रुप की स्थापना की थी, और इन्होंने इंडिया के फर्स्ट CPR की भी स्थापना की थी। MD की बात करें तो अजीत गुलाब चंद इस समय MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस समय 3000। और डिविजन्स की हम बात करें तो कई सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके पास इन्होंने बनाए हैं। और उसमें से बांद्रा वर्ली सी लिंक जो मुंबई में है, जो कि समुद्र के ऊपर से एक हाईवे बनाया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। और जो दिल्ली फरीदाबाद स्काई वे आपने देखा होगा, तो इस तरह से वो दिखता है, और काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर ये भी है। कोलकाता मेट्रो में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है उसमें भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। और दोस्तों 8th नंबर पे जो कंपनी है वो है एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, और इसके MD इस समय है SK चौधरी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। टोटल एम्प्लॉयज 1600, वर्किंग इन 14 कंट्रीज, यानी 14 कंट्रीज में इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है। डिविजन्स की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके डिविजन्स हैं। और दोस्तों इनके मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यू BG रेल लिंक जो जम्मू कश्मीर में है वो इन्हीं द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। और बात करें दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज का, जो कि काफ़ी लंबा ब्रिज है बिहार में, वो भी एयरकॉन इंटरनेशनल ने बनाया है। और दोस्तों बात करें 9th नंबर पे हमारे सिंप्लेक्स कंपनी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3000 एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो 2600 से ऊपर प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, ये सारे डिवीजन पे कंपनी वर्क कर रही है। अगर प्रोजेक्ट्स की मेगा प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो ब्योमंडे मुंबई में जो बिल्डिंग है इन्होंने कंस्ट्रक्शन इसका किया था। और एयरपोर्ट टर्मिनल उदयपुर राजस्थान में जो है वो भी कंस्ट्रक्शन सिंप्लेक्स द्वारा ही किया गया था। और स्टेट असेंबली इम्फाल में भी इनका कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था। और दोस्तों 10th नंबर पर जो हमारी कंपनी है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं अनिल अंबानी जी। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 8988 एम्प्लॉयज में वर्क करते हैं। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये सब वर्क रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वर्क करती है। और दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मुंबई मेट्रो में भी इनका जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है वो भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और बात करें वर्ली हाजी अली का जो पार्ट ऑफ वेस्टर्न फ्रीवे है मुंबई में, वो भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। और दादरी पावर प्रोजेक्ट जो UP में इस समय कंस्ट्रक्शन उसका मतलब इस समय होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई भी सुझाव आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से कई सारे वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।